और उस समय डॉक्टर की कमी थी, नर्स की कमी थी, वो सारी चीज़ें उस समय, फिर राशन की व्यवस्था करना, वो सब बातें तो उस समय जो भूमिका रही है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विभाग के, मैं केवल एक विभाग की बात नहीं करूँगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन का काम तो तहसीलदार है, SDM है, जिला में कलेक्टर है, इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। उस समय जो भूमिका आप सबकी रही है उसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। और जो जिस प्रकार से प्रबंधन छत्तीसगढ़ में हुआ उसके सभी लोगों ने, पूरे देश भर में उसकी चर्चा रही और उसकी तारीफ हुई है। अभी जिस प्रकार से प्रदीप जी ने जो बताया कि आप लोग तो अतिक्रमण से रोज जूझते हैं, कोई 5 डिसमिल जमीन भी किसी का बेजा कब्जा हो गया तो उसके लिए जमीन तो एक व्यक्ति कब्जा करता है, दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, लेकिन गांव में हो या शहर के मोहल्ले में हो, वो पब्लिक के 2 भागों में बढ़ जाता है और वो फिर राजनीतिक रंग भी ले लेता है। फिर सबसे कहा जाता है, अच्छा मैं अतिक्रमण करें ठीक है, ओकरो हटा, शिकायत तो एक जन के हो भाई, तो फैसला एक जन के आया है तो वो घटी तो एक जन के, लेकिन गांव के राजनीति मोर लटा तो कोई बात नहीं, लेकिन उकरो लटा। ऐसे समय में गौठान के लिए 1.5 लाख एकड़ जमीन बिना डंडा चलाए, बिना कोई प्रदर्शन के जमीन आरक्षित कर लेना, सुरक्षित कर लेना और उसके लिए गौठान निर्माण भी करा लेना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी मतलब बिल्कुल साइलेंट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, बड़ी क्रांति है ये। उसका रिजल्ट आने भी लगा है और बहुत जल्दी बढ़िया स्वरूप में हमारे गौठान दिखेंगे भी। दूसरी बात यह है कि आप लोगों में क्षमता बहुत है, काम करने की क्षमता अद्भुत अद्वितीय। जब पूरे प्रदेश में जहां जाता था वहीं शिकायत आती थी, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, नामांतरण और बंटवारा नहीं हो रहा, खतौनी नहीं हो रहा है, ऐसे समय में मुझे याद है कि पत्थल गांव है और उसके बाद सरगुजा है, वहां एक जने कार्रवाई कर दिया मैं। उसके बाद स्थिति हुई सरगुजा के बाद में बस्तर गया, सुकमा में पता चला कि जाति प्रमाण पत्र बना कि नहीं बना, जिसका नहीं बना हाथ उठाए, भेंट मुलाकात एक भी हाथ नहीं उठाए। उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं भी गया एक आदमी हाथ नहीं उठाया। मैं सुकमा में पूछा कलेक्टर से कि हाथ क्यों नहीं उठा रहे, सर 31,000 जाति प्रमाण पत्र बना के घर में पहुंचा दिया सर, तो उठा के रखा हाथ। सुकमा जैसे जिला में नक्सल प्रभावित जिला जहां अंदर जाना मुश्किल है, वहां हमारे तहसीलदार 31,000 जाति प्रमाण पत्र बना के, मतलब एक ही विधानसभा है, 31,000 जाति प्रमाण पत्र बना के घर घर तक पहुंचा भी दिए, अब कौन हाथ उठाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि हमारे अधिकारी कर्मचारी ठान ले तो कोई काम नहीं है जो असंभव हो। तो आपने गौठान का काम कर दिया, आपने जाति प्रमाण पत्र का काम कर दिया, जितने भी हमारे बंटवारा है, खतौनी है, सीमांकन है, वो सब लिमिट में आ गए। अधिकांश है जो विवादित है वही रह गए हैं अधिकांश जगहों में, ये सब बड़े त्वरित गति से काम हुए। उसके पहले हमेशा शिकायत आती थी कि नहीं हुआ नहीं हुआ।